जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है द स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड पैरामीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। क्या निकालना है इसका, हमें कर्व सरफेस निकालना है फ्रस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो लो कि जो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्या क्या गिवन है वो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास गिवन क्या है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, स्लांट हाइट, ठीक है, गिवन, ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम किसका, यानी कि एल, यानी कि हमारा एल इज इक्वल टू कितना गिवन है, फोर, कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। क्या कर रहा हूँ मैं, ये गिवन लिख रहा हूँ जो जो हमारे पास गिवन है। और पैरामीटर, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ अपर, अपर पार्ट, ऊपर वाले पार्ट का पैरामीटर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 18, कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला, इसका जो पैरामीटर दे रखा है ऊपर वाले का, ये जो दे रखा है कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ किसका, लोअर पार्ट, लोअर पार्ट का कितना दे रखा है, नीचे वाला का दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसका जो पैरामीटर दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये वाला पैरामीटर, यानी कि इसका जो पैरामीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है, वी नो पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr, ये होता है हमारे, क्या होता है ये हमारा पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr की इक्वल होता है, तो ठीक है। तो हमारे पास अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यानी कि पैरामीटर ऑफ अपर पार्ट क्या हो जाएगा, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा r1, मैं इसको 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, r1, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा r1, तो यानी कि यहाँ से देखो तुम्हारा अपर पार्ट का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 18 इज इक्वल टू 2πr1, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि हमारे पास कितना आ गया 9, इसको मैं अगर उधर ले जाऊँ R1, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाए डिवाइड में 18/2π, यानी कि कितना आ गया 9, यानी कि 9/π इज इक्वल टू क्या हो गया R1, यानी कि हमारा R रेडियस आ गया दूसरे वाले का। अब हम निकालेंगे किसका, पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर ऑफ किसका, लोअर पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का पैरामीटर कितना दे रखा है, 2πr2 हो जाएगा फिर, क्योंकि हमारा 2πr2। अब हमारे पास देखो कि इसकी जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 इज इक्वल टू 2πr2, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में 2π इज इक्वल टू r2, यानी कि 2 3, यानी कि 3/π हमारा क्या आ गया, r2 की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, दोनों R1 और R2 हमारे पास आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू आ गया, R1 की भी वैल्यू आ गया और R2 की भी वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमारे पास, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। और हमारे पास देखो यहाँ पे कि पाई की वैल्यू कितना है, अभी रहने देता हूँ, एल यानी स्लांट हाइट कितना है हमारे पास, गिवन है 4 सेंटीमीटर, R1 जो आया था वो आया 9π, ठीक है, प्लस ये आया 3π, ठीक है, इजी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे यहाँ से देखो पाई इंटू 4, यहाँ से पाई एलसीएम लूंगा दोनों का, तो पाई आ जाएगा 9 प्लस 3, ठीक है, पाई इंटू 4 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 12π, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि हमारे क्या आ जाएगा, पाई इंटू 4 इंटू 12π, यहाँ से पाई से पाई कट गया, यानी कि कितना आ जाएगा 48, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ फ्रस्टम जो आया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम,
इक्वल टू कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यही हमें निकालना था, तो ये आंसर आ गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।